नमस्कार, हिंदुस्तान टुडे देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ भूमिका। आइए देखिए खबर। इंडियन क्रेन अथवा क्रोंच पक्षी के नाम से विख्यात सारस पक्षी ने जिले में नया घरौंदा बनाकर बालाघाट को एक और पहचान दी है। पर्यावरण और वन्य जीव संरक्षण और संवर्धन के लिए कार्यरत संस्था सेवा गोंदिया के अध्यक्ष सावन भाईकार ने जानकारी दी कि 13 से 18 जून 2020 तक गोंदिया जिले में 23 टीमें और बालाघाट जिले में 21 टीमें बनाकर सारस की गणना की गई है। ये सभी टीमें प्रतिदिन सुबह 5 बजे से 10 बजे तक विभिन्न स्थानों में प्रत्यक्ष रूप से जाकर सारस के विश्राम स्थलों पर सारस गणना करती थीं। बालाघाट जिले में बालाघाट टूरिज्म प्रमोशन काउंसिल, वन विभाग और वन्य प्राणी संरक्षण और संवर्धन से जुड़े कृषक और स्वयंसेवी लोग इस कार्य में लगे हुए हैं। साथ ही साथ आपको बता दें, बांध और वेणगंगा नदी महाराष्ट्र मध्य प्रदेश की गोंदिया और बालाघाट जिले को विभाजित करती है। भौगोलिक दृष्टिकोण से नदी के दोनों ओर के प्रदेश की जैव विविधता के काफी समानता पाई गई है। अंततः कुछ सारस के जोड़े अधिवास और भोजन के लिए दोनों ओर के प्रदेशों में समान रूप से विचरण पाते हैं। सीमाओं का बंधन उनके लिए मायने नहीं रखता, जो मनुष्य के लिए अच्छा सबक है। कार्यालय कलेक्टर बालाघाट में सारस गणना के परिणामों को कलेक्टर दीपक आर्य द्वारा घोषित किया गया, जिसमें गोंदिया जिले में 45 से 47 और बालाघाट जिले में 56 से 58 सरसों की गणना की गई है। उसमें कुल मिला के 58 पक्षी अभी मिले हैं बालाघाट जिले में। कुछ इसमें से संभावना है कि 2-3 ज्यादा कम हो सकते हैं, क्योंकि कई बार उनका पहचान में कंफ्यूजन कई बार रहते हैं। तो 60 के आसपास पक्षी बालाघाट जिले में है और मैं इस फाउंडेशन को शुभकामना देता हूँ और अपेक्षा करता हूँ कि ये जो कार्य कर रहे हैं उससे सारस पक्षी की संख्या जिले में और बढ़े। जो भी शासन का सहयोग होगा वो इनको जरूर दिया। सर, इसमें बात सामने आई थी कि जैसे सारस किस खेत में जाते हैं, खेत की जो भूमि है वो 4 लाख में बेटी थी, 6 लाख में बेटा, तो सर उसमें क्या कुछ मुआवजे का प्रस्ताव है? मैं जैसे जो जिसमें लेंग होगी बर्ड जो अंडे देंगे ये पक्षी, उसमें जितना एरिया खराब होगा उसका प्रयास किया जाए कि उनको किसानों को मुआवजे दिलवाए। सर, ये जहाँ पर निवास करते हैं रात्रि में, वहाँ पर भी उत्खनन होते हैं, उनका एक एरिया रहता है, उस एरिया में वहन करते हैं। ये जो बात अभी आपने बताई मीटिंग में सामने आई है और जैसे ही ये प्रतिवेदन देंगे तो उसको रोकने का प्रयास किया जाए, क्योंकि अब खजाना स्वीकृत खजाना है जो ठेकेदारों को, ठेकेदारों अपने सीमा में ही खजाना चलानी है और यदि इस बीच में यदि कोई स्वीकृत खजान आती है तो उसमें उनसे बात करके रात्रि काल में उसको रोका जाएगा और अवैध उत्खनन को यदि कहीं होता है तो ठेकेदार स्वयं अभी आगे बताएंगे कि और।